आज हम बनाएंगे दाल मखनी, दिल्ली की मशहूर दाल मखनी। और आइए रेसिपी बताते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप जकिया दिल्ली। आज की रेसिपी है हमारी दाल मखनी। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। यह हमने राजमा ले लिया है 250 ग्राम, और 250 ग्राम उड़द की दाल ले ली है। इन्हें हमने 1 घंटे भिगो दिया है, और 2 बारीक प्याज काट लिए हैं इस तरीके से, देखिए 6 से 7 हरी मिर्च बारीक काट ली है, 3 टमाटर बारीक काट लिए हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, और 1 चुटकी कलर, 2 चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया, और ये हरा धनिया बारीक काट लिया है, और मक्खन की टिक्की ले ली है, और ये क्रीम ले लिया हमने ये वाली। इन सब मसालों को मिलाकर हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए हमने कुकर में पानी ले लिया है। अब इसमें दाल और राजमा डालेंगे, और इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और लाल मिर्च 1/2 डालेंगे, और इसे 10 से 15 मिनट तक 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। राजमा और दाल गल कर तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से हमें दाल और राजमा गलाना है। अब हम इसे मसाले में डालेंगे। दाल मखनी को बनाने के लिए हमने ये तेल गरम कर लिया है, और इसमें जीरा डालेंगे, अब प्याज डालेंगे, और प्याज को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। अब प्याज में लहसुन अदरक डालेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। और 1 मिनट तक हम लहसुन अदरक को भूनेंगे अच्छे से। अब हरी मिर्च डालेंगे, और टमाटर, अब मसाले डालेंगे, धनिया, लाल मिर्च, और भुना हुआ जीरा, और गरम मसाला, और नमक, और मसाले को अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक। मसाला भूनेंगे अच्छे से। मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से मसाला भुनना है हमें। अब इसमें दाल डालेंगे, दाल डालेंगे, दाल या पनीर, दाल हमने ऐड कर दिए। देखिए इस तरीके से दाल हमने कर ली है। देखिए अब इसमें हम डालेंगे मक्खन, मक्खन हमने डाल दिया है। अब इसमें कलर डालेंगे, जो हमने 1 चुटकी कलर लिया था, और इसमें क्रीम डालेंगे, दाल मखनी पककर तैयार होगी। इसमें हरा धनिया डालेंगे, और इसमें छौंका लगाएंगे। अब दाल मखनी छौंकने के लिए हमने ये तेल गरम करा है। इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम छौंका लगाएंगे। दाल मखनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। दाल मखनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, टाटा।